तो देख रहे हो विनोद, देखो भाई भाई लगातार बारिश हो रही है, लगातार पता नहीं भाई इतना पानी कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा ना कहा इसके भाई दिन रात शिफ्ट कर रहे हैं बादल। देखो भाई सर, कंटिन्यू बारिश होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज मैं ऐसा काम की चीज बनाने वाला हूँ तो ऐसा मजे आ जाएगा, जुगाड़ से बनाएंगे, देखते हैं वो कैसा बनता है। ठीक है, तो भाई ये है एक टिल्ट सेंसर। हाँ टिल्ट सेंसर कह सकते हो, इसमें बॉल सेंसर भी कह सकते हो, इसमें दवा जाती है। देखो पता ना कहाँ पर इसका माइक कैमरे का, तो भैया इसमें से आवाज आती है, इसके अंदर एक बॉल होती है। ये सेंसर बाई चांस नहीं मिल पाते, या अगर आप अमेजोन पर सर्च करोगे तो भाई काफी कॉस्टली आते हैं, और बाई चांस हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हमें इसे लगाना है, तो भाई हम कैसे लाएंगे। पहले भाई मैं आपको इसकी टेस्टिंग कराता हूँ कि भाई साहब ये आखिर काम कैसे करता है। तो भाई साहब यहाँ रख दिया हमने अपना मल्टीमीटर, अपना मल्टीमीटर नहीं हमारा मल्टीमीटर, हमारा पावर है बड़ा हरामी हो बेटा। देखो भाई जो कि दिखा रहा ओवरलोड, ठीक देखे नहीं चल रहा, देखिए चल गया बस सत्रह। ये भी यार गड़बड़ करता है थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भाई, ये बड़ा काम करता। देखिए 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 अब काम कर रहा सही, देखो बड़ा काम कर रहा। हाँ थोड़ी बीच में गड़बड़ कर देता है, लेकिन भाई ये हो सकता है इसमें थोड़ी दिक्कत है, लेकिन भाई ये काम अच्छा करता है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई मैंने काफ़ी सारे पीस मंगाए थे, मैं यहाँ पर प्राइस लिख दूंगा, तो काफ़ी कॉस्टली भाई ये पड़ता है। तो भाई इसे हम घर पर बनाएंगे आज। मुझे कहा इसे एक पतला सा पाइप चाहिए कोई भी, तो भाई आप जानते हो कौन सा पतला सा पाइप हमारे पास होगा। तो भाई अगर आपको नहीं मिले तो भाई आप चले जाना इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जहाँ पर रेडियो का सामान मिलता है। ये रहा भाई साहब, ये एक एंटने का, जो रेडियो एंटन होता है ना उसका ये पाइप है, और भाई ये ब्रास का है। ठीक है, इसके अंदर भी लग रहा है, निकल के देखता हूँ अगर भाई उससे भी थोड़ा पतला हो तो और अच्छी बात है, तो लगभग फ्रीज में बनाएंगे। देखो ये रहा, देखो इससे पतला आपके पास हो वो और बढ़िया। एक बार जरा बॉस मैं भी सर्च कर लेता हूँ भाई, मेरे पास है ना है। A few moments later. तो गाइस मैंने काफी सर्च किया भाई, तो मेरे को थोड़े से और मिल गए हैं। ठीक है ये रहे, ये थोड़ा सा और पतला है। ठीक है इसके मुकाबले देखो ये काफी मोटा है, ये काफी पतला है। इसमें भी गाइस आई थिंक इसके अंदर एक और है, वहाँ पे लॉटरी निकल गई तो वह निकल जा। देखो भाई ठीक है ये सही है, हाँ ये थोड़ा ठीक है भाई, ये थोड़ा सा बेशक मोटा है लेकिन मतलब थोड़ा आसपास की है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। तो वैसे भाई साहब उससे कह लेना। देखो भाई आपको एक चीज तो याद रखनी है, आपको गाइस कोई भी ऐसा मेटल, यार मेटल में सब में पावर आती है, सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, मतलब आपको कोई ऐसा मेटेरियल लेना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, और गाइस आप इसे घर पर बना रहे हो तो भाई आप इसे कितना बड़ा छोटा बना सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई साहब जुगाड़ से बनाएंगे तो हम थोड़ा सा अलग टाइप से बनाएंगे। तो भाई साहब यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ छोटी छोटी बॉल, मेटल की बॉल। कभी गए हमने भाई तोड़ा होगा बैरिंग, तो भाई इसकी जो छोटी छोटी बॉल होती है गोलियां, गोली कहते हैं इसे, तो भाई इसके अंदर वो हम डाल देते हैं। तो भाई इसमें देख रहा भाई मैं अगर मिल जाए तो ठीक है। हाँ दिक्कत है यार इसमें, देखो भाई ये तो यार काफी बड़ी बॉल है इसके हिसाब से। चलो फिलहाल मैं इसे रखता हूँ, ठीक है साइड में रखता हूँ, और देखने के लिए रोज मिल जाए यार चमक गयो। देखो भाई साहब ये थी छोटी सी बॉल, तो इससे सामान को खैर हम बाद में लाएंगे। तो भाई साहब हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये बॉल किस में आएगी, उसमें आएगी नहीं आएगी गाइस जिसमें हमें लगाना चाहते हैं, वरना भाई क्या फ़ायदा बताओ। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाला दिखाया था पतला वाला, यार इसमें तो गाइस नहीं आ रही। ठीक है, और इसमें 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 भाई इसमें यार लगता रहा के आ जाएगी, लेकिन भाई टाइट आएगी भाई, निकलेगी नहीं, अगर इसमें घुसाई तो भाई निकलेगी भी नहीं, बड़ी दिक्कत है। तो भाई इससे बड़ा पाइप मजबूरन हमें लेना पड़ेगा, और भाई अच्छी बात है बड़ा पाइप आप ले सकते हो, देखो सेंसर है भाई काम करेगा। छोटी अगर आपके पास गोली हो बॉल हो तो भाई आप इसका यूज कर सकते हो। फिलहाल गाइस मेरे पास नहीं मिल रही मेरे को, ठीक है तो भाई क्या कर सकते हैं। देखो भाई क्या, देखो भाई लूज होनी चाहिए थोड़ी, देखो ये मस्त, चलो भाई ये बड़ा काम कर रही है। तो भाई अब आपकी मर्जी है कि भाई आप इस सेंसर को कितना बड़ा बनाओ, मैं भाई लगभग इसे 1.25 इंच के करीब कट कर दूंगा। काटना आपको कैसे है, कटेगा भाई एंगल ग्राइंड से ही, मतलब कट तो जाएगा कैंची से, लेकिन भाई ये काफी हल्का होता है तो ये पिचक जाएगा, पिचक के भाई ये टूट जाएगा, तो आपको एंगल ग्राइंड से कट करना है, तो मैं कट कर लाता हूँ। भाई आप सोचोगे समर भाई ये नायक क्रोवान यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे चार्जर क्या काम कर रहा है। भाई मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो भाई ये इसके हिसाब से बोल ठीक ही है, देखो ये रहा है ना, ठीक है। खैर गाइस अब इसके फटाफट हम दो लेग निकालते हैं, लेग बनाने के लिए यार थोड़ा सा अलग ही जुगाड़ है भाई, यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। देखो भाई ये हो जाएगा, हाँ भाई ये हो तो सकता है, इसमें से निकला है मतलब इस एंट्री में से निकला है, तो भाई देखे इसी को काम में ले लें। ठीक है यार ये हाँ आ तो जाएगा बॉस, चलो भाई फटाफट इसको भी हम गोल गोल सर्कल में कट कर लेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर लिया मैंने 1 mm मोटा एक ड्रिल बिट, और ये इसके बीचों बीच लग होता है
तो गया है वो उसमें होल, ये रहा। और भाई यहाँ पर हमें लगाना है तार, लगा तार। चलो भाई साहब ये ले लेते हैं, पता नहीं भाई इस पर सोल्डिंग होगी या नहीं होगी, फिर भी भाई मैं पहले से लगा लेता हूँ वरना भाई साहब दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत क्या होगी समर। ठीक है पहले मोड़ लेते हैं इसे, वैसे यार मोड़ने की जरूरत है नहीं इसे, ठीक है ऐसे रह देंगे। देखो भाई साहब क्या मस्त सोल्डिंग हुई है, ठीक बढ़िया। चलो भाई अब इसके मैं जरूरत है नहीं जाते वैसे या, चलो यार अब भाई हमें इसे सोल्डिंग करना है, तो कहाँ चला गया भाई, हमें इस पर सोल्डिंग करना है ठीक है। हाँ तो भाई पहले जो ना इस पर भी सोल्डिंग कर लेते हैं, होगी नहीं होगी सोल्डिंग कर चेक कर लेते हैं एक बार, हो जाना चाहिए, नौ के तो घिसना पड़ेगा इसे। वाह रमेश बाबू घिसना पड़ेगा इसे, ऊपर जो इस पर लेयर चढ़े भाई वो सोल्डिंग नहीं होने देगी, या तो सैंड पेपर मार सकते हैं, मतलब इसे घिस सकते हैं, थोड़ा थोड़ा घिसना पड़ेगा मैं जिससे भाई इस पर हो जाए। देखो ऐसा घिस दिया ऊपर की जो इसकी चमक चमकती क्रोम फिनिश जैसे पॉलिश थी वही वो मैंने घिस दी है, तो भाई मैं इस पर सोल्डिंग करने की चेष्टा करता हूँ, हो जानी चाहिए यार। अरे होएगी कहते ना इससे करता बस सोल्डिंग, थोड़ी सी सोल्डिंग करनी है ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं करना, वैसे इतने से काम हो जाएगा लेकिन चलो कर ही देते हैं यार, खुजली है ना। देखो भाई साहब ठीक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना है, चलो वैसे मैं पहले काटता लेकिन यार दिक्कत ये कि भाई इतना यार ये छोटा हो जाएगा कि भाई कटेगा नहीं, फिर सबसे पहले भाई मैं तार काट देता हूँ। हाँ कट गया, चलो ले जाओ भाई साहब ठीक है, मुझे पता थोड़ा सा टेढ़ा होगा लेकिन भाई ये दिखाया भी नहीं देगा, बेफिक्र रहो। तो भाई वाला पार्ट तो कंप्लीट, अब आते भाई साहब इसके दूसरे वाला पार्ट पर, तो भाई उससे पहले हमें इसके अंदर बोल्ट डालनी पड़ेगी, ये भैया बोल्ट डाल दी ठीक है। तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत आराम से प्यार से हो जाता काम। तो भैया मुझे चाहिए एक कील, कोई सी भी आप कील ले सकते हो, थोड़ा अगर मुंह इसका बड़ा हो, ज्यादा बड़ा भी होना चाहिए वरना कहीं ऐसी दिक्कत करी। अब देखते हैं कौन से लगाएं। और भैया हमें चाहिए एक पीवीसी पाइप की शीट, शीट 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 शीट, तो भाई ये ले लेंगे ठीक है ऐसी। और भाई साहब हमें इस कील को पहले मैं देख लेता हूँ कि कौन सा इसके अंदर आ रहा है, ये भी ठीक आएगा, ये तो यार ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो भाई यही ले लेते हैं ठीक है। और भाई यहाँ पे करते हैं होल, लाइव होल, थोड़ा सा कोने तो काटना हमें, देखा। और भाई ये आ गई, ये इसमें ऐसा आ गई ठीक है ना। और इसमें भैया हमें लगानी है थोड़ी सी स्टंट ग्लू, बस भाई बहुत थोड़ी लगानी है, थोड़ी ज़्यादा लगी क्योंकि भाई इसका जो है ना मुँह ज़्यादा बड़ा है ठीक है ना। यहाँ तक भाई हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वैसे थोड़ा यहाँ से भैया कोना काट लेते हैं, कभी तुम ही है कभी तुम ही है, वाह ठीक ठाक है भाई, इससे तो नहीं चाहिए अंदर ही। और भाई साहब हमें इसे गोल करना है, तो भाई साहब ज़्यादा मैंने इसे बारीक नहीं किया है क्योंकि भाई यहाँ पर जो ये नेल कील है ये भाई यहाँ से बस टकराने नहीं चाहिए, मतलब इससे ऐसे नहीं टकराना चाहिए, ये बिल्कुल बीच में रहनी चाहिए इसके। लेकिन भाई इससे पहले मैं यहाँ पर ये बोल भी डालनी पड़ेगी इसके अंदर ठीक है। और भाई इसे अच्छे से घिस लें, अगर आपने अच्छे से नहीं घिसा तो भाई इस काम से करेगा लेकिन कम काम करेगा। भाई अभी इसे ऊपर से हम चिपका देते हैं, पहले तो हल्का से लगा लेंगे जिससे भाई ये थोड़ा रुक जाए, इतनी घटी आ रही है भाई आजकल ये स्टर ग्लू कि भाई साहब देखो यार चिपकती नहीं यार, हाथ पे भाई साहब है चिपकेगी, मतलब हाथ को तो भाई ढूंढ लेगी कहीं से भी, हाथ बड़ा चिपकेगी, जहाँ चिपका नहीं जाएगा वहीं नहीं चिपकेगी, बाकी सब जगह चिपकेगी। भाई ये मैंने कील कट नहीं की है, इसे हम चाहे तो पहले कट कर सकते हैं ठीक है, मैंने जानबूझ कट नहीं किया कि भाई चलो कोई बात नहीं, पता लगनी चाहिए ना भाई कि हम जो बना रहे हैं ये क्या है। हाँ गोली अभी तक तो ठीक काम कर रही है, ये गोली बेटा मजाक नहीं। अभी सब भाई थोड़ी देर सूखने देते हैं, कोई ज़्यादा फालतू नहीं बोलेगा तो ना, आप जानते हो भाई मैं क्या करूँगा। ठन ठन गाइस ये हो चुका अभी हमारा टिल्ट सेंसर तैयार ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए पूरी बोर्ड जगह इस काम करेगा ही ठीक है, यहाँ पर जब भी बोल्ट टकरा देगी तब गाइस ये यहाँ पर काम करेगा, अभी फ़िलहाल ये काम नहीं करेगा ठीक है। देखते हैं बोल ऐसे है, हाँ देखो गाइस काम करा, ऐसे डालता हूँ देखिए बंद, ऐसे करता हूँ देखिए ठीक है। भाई इसमें भी एक काम और रह गया है, फिर मैं आपको इसकी प्रॉपर टेस्टिंग कराता हूँ। इस पर भाई एक हीट सिंक लगना रह गया है मेरे पास, गैस ब्लैक ख़त्म हो रही है तो मैं फिलहाल ये रेड वे लगा दूंगा जिस पर थोड़ा सी और अच्छे से लगे, मतलब इसकी जो सारी कमियाँ वो छुप जाएँ। लीजिए भाई हाँ ये एक्स्ट्रा होगी लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भाई ये काम करना चाहिए बस। तो भाई टेस्टिंग पर्पज़ में ले रहा हूँ भैया यहाँ पर, तो तारने लगे इसकी ही रुक जाओ, सारे जुगाड़ तो बंद कर रखे, 5 वोल्ट पर चलती है, चलो 5 वोल्ट कर देते हैं, हमारी ये ब्लू लाइट है ठीक है ठीक है, काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रही है। चलो भाई साहब
चल गई देखो भाई। पहले थोड़ा फैला लेते हैं, ठीक है। ये भाई नीचे किस तरह रहेगा कील वाला, ठीक है। बॉल जो है ना नीचे को आएगी, अभी देखो नहीं चल रहा है, देखिए चल गया। बंद करते हैं, देखिए देखो बस, ठीक है। और मैं तो चलाता हूँ, देखिए चल गई। खैर गाइस काम तो ये कर रहा है, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक देखो भाई ये सभी गड़बड़ करते हैं, देखो ये रहा ब्लिंक कर रहा है ना, देखो ये रहा। जब इससे बॉल टकराएगी, क्योंकि भाई ये बॉल पूरी बॉडी से टच रहती है, और भाई जब इससे टकराएगी यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगी, तो भैया ये काम करने लगा कि स्विच की तरह। लेकिन भाई साहब ये अच्छा काम नहीं करता देखा जाए तो, इसलिए लगा इसे बहुत कम जगह लगाए जाते हैं स्विच। अगर थोड़ा सा भी कार्बन जम जाएगा, थोड़ी सी भी लूज होगी, थोड़ा सा भी रस्ट लग गया बॉल पर या कील पर, तो भाई साहब ये काम नहीं करेगा। ये मतलब काम करेगा लेकिन बहुत गड़बड़ करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा। तो आप इसे बना सकते हो, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बस जो चीज आप ले रहे हो, जैसे आपने कोई मेटल का पाइप लिया, तो भाई वो अंदर से मतलब जहां पर बोल्ट टकराएगी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह कोई जैसे कि डस्ट हो गया या कोई भी चिकनी चीज हो गई लगनी नहीं चाहिए। बिल्कुल अंदर से रेगमाल सैंड पेपर लेकर उसको अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद अंदर बोल्ट डालें जिस पर अच्छे से वो टच हो और भाई अच्छा काम करे, तो गाइस ये फ्री बन जाता है घर के वाले से। अगर आप कभी जोधपुर किसी प्रोजेक्ट में, तो गाइस आप ऐसे बना सकते हो। और भाई आप इसे कहाँ लगाओगे, ये लगता कहाँ है? जैसे गाइस सपोज करो कोई हीटर बनाओगे, जब सर्दी आ रही है तो भाई जो हीटर होता है ना, अगर आप कोई DIY हीटर बनाओगे, जैसे अपने घर पे आपने कोई हीटर बनाया, मैं बनाता रहता हूँ, तो भाई अगर सपोज करो वो गिर गया, तो गाइस वो कोई चीज जलाए ना, ठीक है, तो भाई ये उसे बंद कर देगा। आपको इस तरह से लगाना खड़ा करके से, जैसे भाई हीटर गिरेगा तो गाइस ये भी गिरेगा उसके साथ, तो भाई कनेक्शन कट कर देगा, जिससे भाई हीटर बंद हो जाएगा और गाइस आपका घर सेफ रहेगा। बस ये इसका सबसे बड़ा रोल है। और भी गाइस काफी चीजों में यूज होता है, जैसे वाटर टैंक अलार्म में भी लग जाता है, ठीक है, जब पानी ऊपर पहुंच जाता है तब गाइस ये काम करेगा। खैर वो अलग अलग टेक्निक है। चले गाइस थैंक यू सो मच, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।